हेलो गाइज, राम राम। कैसे हैं आप सब? और फिर से स्वागत है आपका एक और न्यू व्लॉग में। तो गाइज, अभी मैं कर रही थी सिलाई, ब्लू कलर का सूट सिलने लग रही थी। अभी मैंने वो कटिंग करा था, पूरा अस्तर का है, पैंट भी और कमीज भी। एक यो प्रेस कराया है पिंक कलर का, यो कटिंग करके सिल लूंगी। और सुबह मैंने सिली एक रेड सलवार, और आज तो मैं इसका पोंचा पक्का दिखाऊंगी, डिजाइन पोंचे का। ठीक है, तो अभी नहीं दिखाऊंगी, अभी तो मैं नहाने जा रही हूँ, बाद में दिखाऊंगी। एक ये सिलिया, एक ये ब्लू सलवार सिली, और ये प्रेस करा, खाना वाना बनाया, काम किया, बस ये सारा काम करा। मैं अभी पढ़ रहा है सोता, घर में सारे टाबर टाबराई दादी सारा सुत्या है, और मैं अभी नहाने जा रही थी, तो मैंने सोचा पहले व्लॉग की शुरुआत कर लेती हूँ। एक पंछी जाग रहा है। अमन कुमार, तू क्यों नहीं सो रहा रे? तू क्यों नहीं सो रहा? कंबल तान तान के सोता है। देखो, अरे राहुल की छे, राहुल तो कौन ही रे है? इसकी दादी सो है, बाहर जा रहे हो, वो कोई मैं कर लकड़ी मैंने ना देखियो। राहुल और मैं नहाऊंगी, नहाऊं जब हमेशा यहाँ दिक्कत रहे, कौन सा सूट पहनूं? और सिर धोऊंगी आज तो, मैं मिट्टी का भरिया पड़ा है। तो गाइज नहा लेते हैं, मिलते हैं कुछ देर बाद। और गाइज जी, मैं नहा ली, सिर धो लिया, और मैंने ये ब्लू ये सूट पहन लिया, क्योंकि ये बिल्कुल कंफर्टेबल है। गर्मी में बिल्कुल पता भी नहीं चल रहा पहन रही है कि ना पहन रही, और कोई इसने प्रेस की जरूरत नहीं है। और मैंने ये भी एक धोया है, मेरा सूट बाथरूम में टंग रहा था, तो मैं ये भी इसने सुखा के आऊंगी। और इसकी दादी ना आई थी, तो इसकी दादी ने सुखाया था सूट, उसका उतार ले आऊंगी, वो सूख गया होगा। सुखाया ही सूट, ये थोड़ा पानी पी कर फिर सिलन बैठूंगी, सारा उठूंगा, अज चाह बनाऊंगी। और बाल तो मैं थोड़ी देर बाद बहाऊंगी, इतना पानी थोड़ा है सोख जाएगा। और आंख मेरी लाल होगी ना, आया तो आंख लाल हो जा। और मैं कर लिया हूँ ब्लू सूट, और आज मैंने फिर तो टेबल की सेटिंग चेंज कर दी, उधर खिड़की का सहारा लगा रखी थी, तो मैंने जचाउन में कपड़ा जचाउन में दिक्कत आ थी, क्योंकि एक तो खिड़की का नहीं आड़े और खिड़की का नहीं धूल भी ज्यादा हुआ है, तो फिर मैंने फिर चेंज कर दी। इस साइड ने दीवार का सहारा सही लाग जा कपड़ा, और प्रेस ने भी दिक्कत आ थी, फिर प्रेस भी सही ना हुआ थी, इसलिए मैंने सेटिंग चेंज कर दी। तो मैंने मशीन उरा डाली, उरे धूप आन लग गई, गर्मी होने लग गई, शीशा का दौर है, तो मैंने उरे डाली, पर ओवर है थोड़ा सा अंधेरा, लाइट जला के फिर काम करना पड़ा है। उरे तो सही धूप आया करती, तो रोशनी हो जाया करती, जड्डा में तो ठीक था ही, पूरे देखो मशीन पे या मैंने इंटरलॉक की रखी ने, इस पर धूप आ रही है। और फिर गर्मी से भी लागत थी उरे ने, इस कमरे में तो कूलर चाले तो कूलर किया जाए, कुछ उस कमरे में तो एसी की ठंडक हो जाए, तो इतनी गर्मी ना लागे, काम चलाना पड़ेगा थोड़ा देर में। थोड़ी घनी देर में कोई कोई आपने गाइस ने दिखाऊं, मंजू आ गई गाइस, पसारो मार रही चक्कसी, पर अल्लाह बोल न बस गाइस ने दिखाऊं मंजू आ ए छोटी सी चोरी कौन छोड़ के चले गए हो? या कुर्ती सी ली गाइज मनीप? ये देख, ए ठीक है, बाजू का या पाइपिंग लगाई है, इस कढ़ाई में मैच होती, मैं सिलन लाग रही हूँ। इसकी पैंट है, और पेंट का लगाऊंगी चेन बेल्ट वाली। आई वाह, मन भी कित गए हो, दूध मंगा लिया है, चाय चाय ना पी। मारी पेंट का तो और क्या है, तो चेन लगाओ, मारी बिना चेन की सेम दे अब कुर्ती पहन ले। तड़का है ना आज, तो ये सीमूंगी, तड़का
तार लिए गठड़ी काटूंगी सारी काट के। मेरी तो पेंट सीन दे मन गठड़ी है निर्मला का सीन दे और भी सुख करवा लाओ के निर्मला की छोरी का तड़का कटिंग आने जितना कह सुन से सारा कटने का काम करूंगी। समझ गई जी जी। हां ना समझी समझा दियो बता सारा भी की मैं छोटी के गेटा का सड़क पर प्रभाव मुझे बोली दो यो मिर्च सब बोल रही को ने अरे अत्य दादी की भांग भूंग पी के सोई थी के सूती को राबड़ी तो को प्याई ने उठ रही थी लेट रही थी बस बैठो रसो तो घर से डाली आज तो सामने बारेड़ो कमल उड़ा के रे से चल रहा सीढ़ी चिड़ी भाग गया तो सूती मुंडा वंटी ने चप्पल कड़ा गई बस मेरी था दे व्रत ने के सोएगी फिर मंजू बोली आई को नहीं उठी नहीं दादी उठ ले रात ने नींद को नहीं आगी छह बज गया फिर मैं लीसा से डरती हूँ कुछ दो थैली लिए ये कोई की तो कूं दो थैली लिए ये आधा आधा किलो की हम मम्मी अब लोग कौन लोड़ा भाई हम तो हैं समझ में ना आता रहे ये तो बखते है तान ली आपका जाडो तो ला गई से ना को धर ना ने खुद एक ने तो वगण बारे हम दो नाले कोई कोई ठा के ये पतला बिछान वाला को नहीं सर्दी हम बिछाल्या ये उड़ा हम तो ये फूल रखे से फूल रखा ठीक से वो ये सारा उठ इस तरह मैंने तो सुनार चेपन चालना के फिर चिपवाण चेपन से वो गमसो लगा के दर्द को तुम्हें के चिपवा के आई हूँ है। और मैं दोबारा से बना रही हूँ चाय और चाय बनाने के बाद फिर मैं करूंगी पिंक सूट की कटिंग। काल वाहन खत्म नहीं होया है बाल कान गति भी नहीं खाया मुंह भी नहीं लगाया हमने सासु भगवान खाया सुबह भी खा लिया हमने तो और बच गया फिर जो और कल इसकी दादी लस्सी लेके आई थी सारी खट्टी हो गई पीने वाली तो बची है कौन तो मैं आज सोच रही हूँ कड़ी बना ली जाए। और गाय जब भी मैं ये कुर्ती सिल रही थी तो इस कुर्ती में तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई बाजू पे तो मैंने ये बॉर्डर साइड का बचा था कटिंग करके लगा दिया पर इसकी लंबाई में बहुत सारा इश्यू आ रहा है। कस्टमर ने इसकी लंबाई बनवानी है 47 और लंबाई इसकी बन नहीं रही तो मैंने के काम कराया है यहाँ पे जोड़ लगा के बीच में एक या लेस दे दी या लेस लगाई है या तो ऐसे पलटाऊंगी नीचे की साइड तो या लेस तो ऐसे आ जाएगी किनारी और जो बीच में खाली जगह बची है ना इसमें सफेद धागा डाल के डबल और इसमें सिलाइयाँ भर दूंगी एक एक पैर पे तो ये थोड़ा हर डिजाइन हो जाएगा और इसकी लंबाई बढ़ जाएगी और इसमें कोई भी चांस नहीं था लंबाई बढ़ाने का। ओ ये तो मैंने पहले बता दिया था कस्टमर ते ही भाई इसमें जोड़ ऐसे ऐसे आएगा और पीछे की साइड भी मैंने कंधे पे जोड़ दिया है ये देखो
इतना जोड़ आया है पीछे की साइड, ये शोल्डर है और यहाँ तक जोड़ आया है, जब जाके इसकी लंबाई बदी है। इसके अफगानी सलवार पे भी मैं यह लेस लगा दूंगी और इसकी जोड़ी पे भी यह लेस लागी। तो इसमें थोड़ा हाई और डिजाइन भी हो जाएगा और ये इसकी लंबाई भी बढ़ जाएगी। तो अब तो ये पूरा नहीं हो पाया, अभी मैं रोटी बनाऊंगी। चाय कई बार बन चुकी है आज, कभी कोई आ गया कभी कोई आ गया इस चक्कर में। और एक सिस्टर ने पूछ रखा है पैंट का नाप कि सिली हुई पैंट का नाप कैसे लूं दीदी। ये तो लियो ना ले रे, और कुछ ना हो सारा ना हो ना अब ना ले ना ले हम तो ले का बड़ा नीचे तो आराम ले नीचे तो रेत को भरियो है सब ले ना मैं गाया से पातो भरे के नहीं और अरे तो भरे ग्राउंड में तो माता जी रेस्ट फरमा रही हैं, बच्चे बारी बारी से नहा रहे हैं, मिट्टी के भर के आ रहे हैं ग्राउंड से, और मैं बना रही हूँ रोटियां। और आज तो मेरा बुरा हाल है, आज तो मेरी कमर में दर्द हो गया, जबरदस्ती रोटी बनाने लग रही हूँ, कोई ना बनाओ एक आध दिन पंडो भी ना छुटे इन रोटा से। बारी बारी नंबर आना चाहिए, एक दिन जेंट्स को आना चाहिए एक दिन लेडीज को आना चाहिए, शांति तो मिल जा। जिस दिन लेडीज को आओ दिन दलियो रंद के दर्द्या, जेंट्स के आओ बारी मुंदी रोटी बनवा लिया। आज मेरी कुछ ज्यादा ही हालत खराब हो गई, इमरजेंसी का था ना, मैं श्याम ने ना सील तीर काल देना था, जब मैं उसका लागी रही आज मैं दो पैर में लेटी को नहीं ना, मैं दो पैर में जाया करूं लेट और मेरी कमर दुखन लागी, फिर जबरदस्ती को काम तो ही सोए बनया कर। वो कमीज पूरा होया है को नहीं, उसमें ज्यादा टाइम लग गया, उसका बॉर्डर बनाऊंगी नीचे लेंथ बढ़ाने खातर, फिर भी 46 तक लेंथ बड़ी है, 47 तक तो फिर भी नहीं गई। हाँ आज कितनी तारीख से 13, तो ये किसने बोला कि आज आना था, ये राहुल तो 15 को नाम ले, तो मैं सोची आज 15 है। हैं 15 को नाम ले में हैं। और ईब मैंने रोटी खा के बर्तन साफ कर दिया, पर एक आधो बच्चों रह भी रहे हैं रोटी खानी, इसकी दादी ने भी खाली खान लाग रही है, और एक सो गया रोटी खा के, अमन ने बनाया है ईब खाओ वो। राहुल रोटी खा ली बेटा तेने, तो आने फोन ना बंद कर दे के बड़ा बड़ करवा रहे हो, रोटी खा ले। मन लिटा ले तू थर देर, अरे मम्मी थोड़ी ही कमर दुख है दाब दे थोड़ी ही, मम्मी आ जा थोड़ा खवा भी दाब दे, रहा को दुख है आनो आ जा रे मम्मी, तुम मैंने भूख लाग रही है मम्मी, आलू खा ले, लड्डू खा ले, फ्रूट खा ले, और कती नहीं खाई उठन को मारे सो छोरो गाले वाले का
जिनूं तो खाली धंधो रह गया हो पति यहाँ पर खाली हम ठेको आने को चिन्नू तो एक बात बताऊं बता। जो तनुआ वाली तेल वाली वीडियो बनाई थी मेरे मसाज करी थी वह लोगों बहुत पसंद आई। थैंक यू गाइस मैं बहुत अच्छा हूँ बहुत अच्छा धक्का मंडाए तो तेल रगड़न ना दे करया करू मैं खरीद में तो तेरे पति लो है। हां 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 बोल से बेटा। और गाइज एक कमेंट आ रहा है, सिस्टर ने पूछ रखा है कि पैंट का नाप कैसे ले बताओ ना दीदी। तो पैंट का नाप एक बार मैंने फोन स्टैंड में लगाना पड़ेगा। जिद पैंट का नाप जैसे ये आगे की बेल्ट है ना, ये बेल्ट पूरी नाप लो यहाँ तक यहाँ तक। अब ये जितनी भी आएगी कमर समझ लो उतनी होगी। अब जैसे उसका डबल कर लो कमर का। अब जैसे ये आ गई 17 इंच, ये 17 इंच आ गई पूरी आगे की बेल्ट जितनी भी बेल्ट है यहाँ तक फोल्ड हुई और यहाँ तक। तो 17 × 34 तो यूं समझ लो इस पैंट की जो भी जिसकी पैंट बना रहे हैं उसकी कमर होगी 34। ठीक है। अब जो भी इसमें ये मार्जिन है ये हमने एक्स्ट्रा लेना है, प्लेट डालनी है बीच में जो भी सिलाई आई है वो तो कमर तय है, जितना भी आप एक्स्ट्रा ले उसके हिसाब से एक्स्ट्रा ले लेना। अब आसन कैसे नापेंगे, आसन नापेंगे पैंट को हम ऐसे रखेंगे फोल्ड करके सेट कर लूँ। अब देखो ये हमने यूं सेट कर लेनी है। जब इसका आसन नापा ये आसन कहाँ तक नापांगा, जो ये गोलाई हमने दे रखी है ना क्रोचोरिया की ये नहीं नापनी है, यहाँ तक नापनी है। यहाँ तक नाप के रर पूरा इंच टेप यहाँ तक ले जाओगे तो यहाँ तक इसकी आई है 11 इंच, 11 इंच आसन आया है। अगर इसकी गोलाई भी नापांगा ना तो 1.5 इंच बढ़ जाएगा, तो गोलाई हमने नहीं नापनी है। या गोलाई तो तब हम इसको देंगे जितना भी हमने हिप साइज का निशान लगाना है उसके हिसाब से फिर तैयार हो जाएगी। और बाकी तो आपने मापनी आती होगी नीचे तक, जितनी इसकी थाई है यहाँ तक इसकी थाई नाप लेंगा। ठीक है। जैसे इसकी थाई आई है 26 इंच 27 इंच तो थाई होगी, यहाँ तक घुटना चेक कर लेंगा और यहाँ तक उसकी मोरी चेक कर लेंगा और लंबाई चेक कर लेंगा। तो यो इसमें नाप पेंट में काफ़ी हुआ है, तो यो पेंट में नाप हुआ है। और ये सारी चीज तो तुम नाप में ले लोगी तुम न दिक्कत आ है, बस यहाँ तक कमर में। तो कमर कितनी है, आगे की जितनी भी बेल्ट है उसको नाप लेंगे और उसका डबल कर लेंगे। जैसे 17 है तो 34 कर लिया, न्यू अंदाजा लग जाएगा भाई उसकी 34 कमर है। अब 34 कमर में जितना आपने मार्जिन लेना है वो बढ़ा के ले लेना है, जिसमें प्लेट और सिलाई सारी चीज आ जाएंगी यहाँ तक भी जो साइड में सिलाई लगी हुए है। और आसन का ऐसे लेना है। तो इन दो चीज़ें मेरे ख्याल से आपने प्रॉब्लम आती होगी नाप लेने में, बाकी तो सारा सिंपल है। थाई नाप ली, घुटने नाप ली, मोरी नाप ली, लंबाई नाप ली। तो आशा करूँ हूँ कि आपने समझ में आ गई होगी, ना समझ में आई तो भाई फिर पूछ लियो, मैं भी रही हूँ तुम भी रही हो। तो गाइस टाइम ज़्यादा हो गया और 11:30 हो गया, तो थोड़ी देर आराम भी कराँगा सोवा भी गा। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज़।